बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड मैथमेटिक्स क्वेश्चन 8 तक कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 9 हमने स्टार्ट करना है। कल मैंने डेफिनेशन बताई थी कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन हो, एक्स की जगह माइनस एक्स लगाए, उसमें कोई चेंज ना आए, तो उस फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। तो अब हमने चेक करना है फंक्शन दिए होंगे इवन है या ऑड है। जिस तरह क्वेश्चन 9 है, पहला पार्ट, एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स। हमने क्या करना है, देखें एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स लिखेंगे, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या लगा लें, माइनस एक्स होल क्यू प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब, क्यूब है तो माइनस बाहर आएगा ब्रैकेट से, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स। माइनस कॉमन ले लें तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स किसकी इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स। तो क्या आंसर है, एफ ऑफ माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में था इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो मैंने अभी बताया कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो तो ऑड फंक्शन होगा, तो देयरफॉर इधर हेडिंग देंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाए तो वो इवन फंक्शन होगा, अगर माइनस आ जाए बाय तो वो ऑड फंक्शन होगा। ये पहला पार्ट, तो दोबारा देख लें, कोई भी क्वेश्चन दिया हो इवन ऑड चेक करना हो तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर लें, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स होल क्यूब प्लस ब्रैकेट में माइनस एक्स, तो ये माइनस क्योंकि क्यूब है माइनस बाहर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स माइनस कॉमन लें, एक्स क्यूब प्लस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स की इक्वल आता तो इवन, माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल है तो ऑड। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। अब देखें ये एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल नहीं आया तो ये इवन तो हो नहीं सकता। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी ये तो एफ ऑफ एक्स की इक्वल नहीं है। अगर माइनस कॉमन लें, अगर माइनस कॉमन लें तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस टू, माइनस टू कॉमन लिया है, देखें ये देखें आपने माइनस कॉमन लिया तो अंदर आएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा स्क्वायर की वजह ख़त्म, तो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। फिर भी देखें माइनस ख़त्म हो गया तो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, ये तो एक्स प्लस टू होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये आपके पास ना तो एफ ऑफ एक्स की इक्वल आएगा नहीं इधर एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। दो चीज़ें चेक करनी है ना, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाए तो वो आपके पास कौन सा फंक्शन होगा, इवन, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स तो वो ऑड। ना ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल आता है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ना ये माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आता है, विच इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज नेदर इवन ना ऑड, ना इवन है ना ही ऑड है। कोई भी फंक्शन दिया होगा एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएंगे, अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो इवन, और अगर माइनस कॉमन ले लें तो उसके बाद माइनस बाहर आ जाए और इक्वल आ जाए तो ऑड फंक्शन, ना तो ये इवन है ना ही ऑड है। तीसरा पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, एक्स की जगह माइनस एक्स लगा लें तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव। ऊपर एडिंग देनी है, जिस तरह मैंने दो पार्ट दिए, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स
माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के अलावा क्या बन गया, ये देखिए माइनस के अलावा बच गया एक्स अंडर रूट एक्स के प्लस फाइव, एक्स अंडर रूट एक्स दोबारा क्या बन गया एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर बाहर माइनस आ जाए तो क्या बताया गया, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ये आपके पास थर्ड पार्ट था, अभी फोर्थ करते हैं। रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन और माइनस एक्स प्लस वन। अब देखें एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स आपस में इक्वल नहीं है, देखें यहाँ माइनस एक्स है यहाँ प्लस एक्स है, माइनस कॉमन ऊपर से ले लें, फिर चेक करते हैं x प्लस वन ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस वन और माइनस एक्स प्लस वन, तो फिर भी इक्वल नहीं है। देखें ना, या तो एफ ऑफ माइनस एक्स और ये जब x की जगह माइनस एक्स लगाते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाते हैं, अगर इक्वल आ जाए तो इवन फंक्शन, अगर इक्वल ना आए तो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस ऊपर वालों टर्म से कॉमन लें तो ऊपर वाले दोनों टर्म x प्लस वन नीचे एज इट इज, तो ये आप दोबारा देखें इसके इक्वल आया एफ ऑफ एक्स के, एक्स माइनस वन है यहाँ, एक्स प्लस वन है, इक्वल नहीं आया, तो इधर हेडिंग देंगे सेंस एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस कॉमन लिया था अभी, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड, ना इवन ना ही ऑड। तो इन तमाम पार्ट्स में एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएं तो अगर दोनों इक्वल आ जाए तो इवन, और अगर माइनस कॉमन लेने के बाद इक्वल आ जाए माइनस बाहर आ जाए तो ऑड फंक्शन। अच्छा एक और बात है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको लेक्चर बाज का नहीं मिलता, तो आप मैं चाहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर मिलें, आप जब लेक्चर अटेंड कर लें तो कम से कम इसको शेयर कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, फेसबुक पे शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकें, जिन स्टूडेंट्स को लेक्चर नहीं मिल सक मिलता वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें, तो आप काइंडली इसको शेयर लाजमी किया करें। चार पार्ट हो गए, पांचवा पार्ट क्वेश्चन नाइन का फिफ्थ पार्ट, एक्स रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस सिक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर अलग कर लेते हैं और वन बाई थ्री अलग कर, पावर है ना टू बाई थ्री, वन टू अलग कर लिया और वन बाई थ्री अलग, माइनस एक्स ऊपर स्क्वायर, अगर ऊपर इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो जाता, तो एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री प्लस सिक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स के पावर फिर टू मल्टीप्लाई बाई वन बाई थ्री, एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस सिक्स, पहले क्या था एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस सिक्स, अभी भी वही है, दोबारा क्या बन गया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या आ गए इक्वल आ गए, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाए तो फिर एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, इवन। छठा पार्ट है, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स, एक्स या माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर पावर तीन है माइनस बाहर आएगा क्यूब हो आठ पावर हो माइनस बाहर आएगा इवन और ख़त्म हो जाएगा, माइनस 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 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू दोबारा क्या बन गया, ये देखें ये माइनस तो बाहर आ गए एक्स क्यूब माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर भी एक्स क्यूब माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोबारा एफ ऑफ एक्स बन गया, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन। तो ये छः पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, ईमन और ऑड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है,
फंक्शन इवन है या ऑड है, या इवन और ऑड की डेफिनेशन आ जाती है, या इसकी एग्जांपल है, वो आप खुद करें। एग्जांपल अभी आपने खुद ट्राई करनी है। तो यहाँ तक आप एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होगी। इसमें एक टॉपिक वैसे रहता है डोमेन एंड रेंज, तो उसके अलावा एक्सरसाइज आपकी क्लियर होगी। कल इंशाल्लाह हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।